हेलो एंड वेलकम टू वे टू लर्न। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, ये हमारे KVS के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच वॉज स्टार्टेड बाई द यूनियन कैबिनेट ऑन 29 जुलाई 2020। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, वो मंत्रिमंडल के द्वारा कब से शुरू की गई है। तो 29 जुलाई 2020। ठीक है, आउटलाइन द विजन ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। द न्यू पॉलिसी रिप्लेस द प्रीवियस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ठीक है, ये याद रखना है कि कौन सी पॉलिसी को इसने रिप्लेस करा है। तो जो 1986 वाली पॉलिसी थी उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। द पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। The policy aims to transform India's education system by 2030। ये जो नीति है, प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एक व्यापक ढांचा है, यानी उन पे जोर दिया जाएगा। और इस नीति का यानी इस पॉलिसी का जो लक्ष्य है वो 2030 रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द NEP 2020 रिप्लेस द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1986। ये हम पीछे देख चुके थे। हम इन जनवरी 2015 अ कमिटी अंडर फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे TSR सुब्रमण्यम, उनकी देखरेख में कमेटी ये गठित की गई थी ताकि वहाँ एक पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी बनाई जाए। ठीक है, बेस्ड ऑन द कमेटी रिपोर्ट, कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसके बेस पे कब दिया था, तो जून 2015 में कमेटी बनी, 2017 में रिपोर्ट दिया उन्होंने, उस पर एक ड्राफ्ट के लिए एक 2019 में NEP का एक ड्राफ्ट सबमिट किया गया पैनल के द्वारा। और उस पैनल के जो चीफ थे, जो अध्यक्ष थे, वो थे हमारे इसरो के फॉर्मर चीफ कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, इसलिए इसको कस्तूरी रंगन पॉलिसी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के पूर्व प्रमुख थे कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, उनके नेतृत्व में एक पैनल प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 2019 में मंत्रालय के द्वारा यानी मिनिस्ट्री के द्वारा एक पॉलिसी द ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 वाज लेटर रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। 2019 में ये बन के रेडी हो गया और बाद में इसको ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा लागू किया गया था। और ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके ये जो ड्राफ्ट बना ये पॉलिसी का जो ड्राफ्ट बना, उसके लिए जो ये ड्राफ्ट है वो 484 यानी 484 पेजेस का है। ठीक है, 484 पेजेस का है। और इसके लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायत से, ठीक है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक्स, 6000 अर्बन लोकल बॉडीज जिसको ULBs बोलते हैं, और 676 जिलों से यानी डिस्ट्रिक्ट से परामर्श लिया गया था, उनके सुझाव लेके और फिर इसको बनाया गया था। यहाँ से आपका क्वेश्चन फंसेगा ये वाला 5 स्तंभ। ठीक है, तो ये इससे पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर। NEP 2020 जो है यानी द NEP 2020
इनैक्ट न्यूमरस चेंज इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी, इट एम्स टू इंक्रीज स्टेट एक्सपेंडिचर। यहाँ से बनेगा आपका कि जो स्टेट का एक्सपेंडिचर है एजुकेशन में, उसको 3% से 6% ऑफ जीडीपी करना है, यानी 3 से 6% जीडीपी का, जिसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, उसका बढ़ाना है। आगे आपका 5 स्तंभ वाला आ जाएगा, 5 पिलर्स। तो ये आपके 5 पिलर्स यहाँ से बनेंगे। कितने पिलर्स पे है ये पॉलिसी? तो ये है आपका एक्सेस यानी पहुँच, ठीक है, इक्विटी यानी समानता, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी यानी वहनीयता, और अकाउंटेबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व। इनके आधार स्तंभों पे क्या है ये नीति बनाई गई है, और ये 2030 के सतत विकास से जुड़ी हुई है एजेंडे से, ठीक है। आगे देखते हैं हम, तो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज इम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ मदर टंग और लोकल लैंग्वेज, ठीक है, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज जो है उस पर इम्फेसाइज करती है। मदर टंग यानी कि मातृभाषा और स्थानीय भाषा जो वहाँ के हैं उस पे जोर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इंस्ट्रक्शन टिल क्लास फाइव तक तो मतलब कंपलसरी है कि जो लोकल लैंग्वेज या फिर जो मदर टंग है उसी में दिया जाए बच्चों को, और अगर इसको हम बढ़ा सकते हैं तो क्लास 8 तक हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। संस्कृत एंड फॉरेन लैंग्वेज विल ऑल्सो बी गिवन इम्फेसाइज। संस्कृत और फॉरेन लैंग्वेज जो हैं, संस्कृत और विदेशी भाषा, उन पे भी जोर दिया जाएगा, ठीक है। द पॉलिसी रिकमेंड्स डैट ऑल स्टूडेंट्स विल लर्न 3 लैंग्वेज इन देयर स्कूल अंडर द फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि ये पॉलिसी जो है वो अनुशंसा करती है कि सभी छात्र त्रिसूत्र जो नियम है उसको फॉलो करें, और कम से कम वो स्कूल में 3 भाषा तो ज़रूर ही सीखें। एक उनकी मदर टंग हो गई, एक संस्कृत हो गया, एक या कोई और लैंग्वेज, और एक इंग्लिश हो गई, ठीक है, फिर या फिर फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। एटलीस्ट 2 of the 3 languages शुड बी नेटिव टू इंडिया। जो 2 लैंग्वेज होंगे तीनों में से, वो कम से कम भारत की मूल भाषा यानी नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो स्टेट्स डैट नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन द स्टूडेंट। इसमें यह भी कहा गया है कि छात्रों पे कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी, ठीक है, थोपी नहीं जाएगी। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो 10+2 पहले था, ठीक है, उसको चेंज करके अब 5+3+3+4 मॉडल में बदल दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या कैसे है अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि दिस इज़ द फर्दर सब डिवाइड, यानी यही जो 5+3+3+4 है इसको आगे डिवाइड किया गया है, देखिए कैसे, इंटू 2 पार्ट्स। 3 ईयर्स का जो है वो प्री स्कूल या आंगनबाड़ी होगा, ठीक है, पूर्व का स्कूल, प्री स्कूल या आंगनबाड़ी 3 साल होगा। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2, इसके बाद क्या होगा प्राइमरी स्कूल में 1 और 2 की पढ़ाई की जाएगी। दिस विल कवर चिल्ड्रेन ऑफ एज 3 to 8, ये जो है 3 से 8 साल के बच्चों को कवर करेगा। द फोकस ऑफ स्टडीज विल बी इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो स्टडीज का फोकस होगा, ठीक है, वो क्या होगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का, यानी कि बच्चे जिसमें करके सीखें। आगे देखते हैं, प्रीपेरेटरी स्टेज में हम देखते हैं प्रारंभिक चरण में, यहाँ आपका क्या होगा कक्षा 3 से 5 तक, जिसमें 8 से 10 वर्ष के बच्चे होंगे, यानी क्लासेज 3 to 5 विच विल कवर द एज ऑफ 8 to 10 ईयर्स, इट विल ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट लाइक स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज, आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें जो 3 से 5 कक्षा के होंगे क्लास के, वो 8 से 10 वर्ष की आयु के होंगे, और इसमें क्या होगा उनको बोलना, ठीक है, पढ़ना लिखना, शारीरिक शिक्षा, भाषा, कला, ज्ञान, विज्ञान और गणित जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा। अब आते हैं मिडिल स्टेज में, तो मिडिल स्टेज होगा वो 6 to 8 का होगा, कवरिंग चिल्ड्रेन बिटवीन एजेस 11 to 13। इट विल इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स
टू द मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। माध्यमिक चरण जो होगा, मध्य चरण, उसमें कक्षा 6 से 8 के बच्चे होंगे और ये 6, 7, 8 तीन साल चलेगा। वैसे ही ऊपर ये 3 to 5 वाला 3, 4, 5 तीन साल ये चलेगा, यानी पहले 5 था आंगनबाड़ी वाला जो था, उसके बाद ये 3, 3, 4, 5 ये 3 हो गया, और फिर ये 6 to 8 3 हो गया, 6, 7, 8 ये होगा हमारा 11 to 13 एज का बच्चे इसमें शामिल होंगे। और इसमें जो है ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जो उन्होंने पहले सीखा है, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान कला मानव मानविक विषय में उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज में देखते हैं, सेकेंडरी यानी 5 + 3 + 3 और फिर +4, तो उस पर आ जाते हैं हम। तो कक्षा 9 से 12 तक जो 14 से 18 वर्ष की आयु के हैं उनके लिए होगा। इसे फिर से दो भागों में विभाजित किया जाएगा, कक्षा 9 और 10, ठीक है। क्लासेज 9 to 12 कवरिंग द एजेज ऑफ 14 to 18 ईयर्स, इट इज अगेन सब डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, क्लास 9 एंड क्लास 10 कवरिंग द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में 9th एंड 10th को कवर किया जाएगा, वाइल क्लास 11 एंड 12 कवरिंग द सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में 11th एंड 12th को। दिस 4 ईयर्स ऑफ स्टडी आर इंटेंड टू बी इनकलकेट मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कॉपीड विद डेप्थ एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मल्टीपल ऑप्शन ऑफ सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। 11 और 12 दूसरे चरण को कवर करते हैं। इन 4 वर्षों में अध्ययन का उद्देश्य गहनता और आलोचनात्मक सोच के साथ बहुविषयक अध्ययन को विकसित करना है। विषयों के कई विकल्प प्रदान किए जाएंगे। आगे देखते हैं, इंस्टीड ऑफ एग्जाम बीइंग हेल्ड एवरी एकेडमिक ईयर, स्कूल स्टूडेंट्स विल ओनली अटेंड 3 एग्जाम्स इन क्लास 2nd, 5th, 5th एंड 8th। हर शैक्षणिक वर्ष में परीक्षा आयोजित कराने के बजाय स्कूल के जो छात्र होंगे उनको 3 ही एग्जाम केवल देने होंगे, 2री, 5वीं और 8वीं में, ठीक है। उच्च शिक्षा पे भी इसमें जोर दिया गया है, तो जो ड्राफ्ट बनी है तो उच्च शिक्षा के लिए क्या है, तो इट प्रपोज अ 4-ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री, सॉरी, ठीक है। स्नातक के लिए क्या होगा, 4 साल का एक होगा, पहले 3 साल का होता था, BSc BA सारे ग्रेजुएशन 3 साल का होते थे, अब उसको 4 ईयर का कर दिया गया है। इसमें क्या होगा कि जो आप पहले साल कर लीजिएगा फर्स्ट ईयर में, तो अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ स्टडी, 1 साल कंप्लीट होते ही आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल आप कंप्लीट करोगे तो आपको डिप्लोमा दे दी जाएगी, ठीक है, और आप 3 साल करोगे तो आपको बैचलर्स की डिग्री दे दी जाएगी 3 साल के बाद, ठीक है, 3 साल के बाद बैचलर्स की डिग्री दी जाएगी। और अगर 4 साल का करते हो आप, 4th साल में आपको हर साल ये डिग्री मिलती जाएगी, आपको कहीं लगाना है जैसे जॉब में तो डिप्लोमा जॉब चाहिए तो आप 2 साल कर लो, जहाँ जी डिप्लोमा का लगाना है वहाँ डिप्लोमा के लिए लगा सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेट के लिए 1 साल का लगा सकते हो, डिग्री चाहिए तो ये 3 साल का लगा सकते हो स्नातक, और 4 साल का कर लोगे तो ये बहुस्नातक आपका हो जाएगा, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मन करे तो आप कर सकते हो, इसमें किसी भी साल छोड़ सकते हो। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी पढ़ाई छोड़ते हो किसी साल में तो फिर उसी क्लास से आप कभी भी फिर ज्वाइन कर सकते हो और अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। द एनईपी 2020 पुट्स फॉरवर्ड, द एनईपी 2020 पुट्स फॉरवर्ड मेनी पॉलिसी चेंजेस रिगार्डिंग टीचर्स एंड टीचर, अब टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन पे भी जो है भाई उस पे भी थोड़ा जोर दिया जाएगा। तो पहले बीएड जो होता था हमारा, जैसे कि जो बीएड होता था, बीएड वो क्या होता था 2 साल का, इसके पहले 1 साल का भी बीएड हुआ है, तो अब क्या कर दिया गया, 4 ईयर्स का बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड किया जाएगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड, इसको 4 ईयर्स का कर दिया जाएगा। ये लिखा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होगा 2030 तक, ठीक है, वो 4 ईयर्स का हो जाएगा। उसके पहले जो अभी हमने कर लिया तो हमारी लगे तो 2030 के बाद 4 साल वाले बीएड वालों के लिए। द टीचर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल आल्सो बी स्ट्रेंथेंड एंड मेड ट्रांसपेरेंट, ठीक है,
शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को भी मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा। द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन विल फ्रेम अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बाई 2021 एंड अ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स बाई 2022। जो शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद है वो 2021 तक शिक्षक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी फ्रेमवर्क करिकुलम की फ्रेमों की रूपरेखा तैयार करेगी और 2022 तक शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन थोड़ा बनेगा कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यानी लागू कब कब कहाँ किया गया है। तो इसमें सबसे पहले का पूछा जाता है, जो सबसे पहला है वो स्टार्टिंग के अगस्त में ही यानी शुरुआती अगस्त में कर्नाटक ने सबसे पहले किया था। तो फर्स्ट जो है आपको याद रखना है कि कर्नाटक ने सबसे पहले किया था। क्वेश्चन अगर ज़्यादा घुमाएगा तो आपसे सेकंड भी पूछ सकता है। तो जो सेकंड स्टेट है आपका वो है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो एमपी ने कब किया था, 26 अगस्त 2021 को लागू किया था इसको, और कर्नाटक ने अगस्त के स्टार्टिंग में ही, यानी कर्नाटक जो है वो हमारा पहला स्टेट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम। अब इसमें थोड़ा सा यूजीसी का भी कुछ है तो उसको देख लेते हैं। इन अप्रैल 2022 द यूजीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अप्रूव्ड साइमल्टेनियस ड्यूअल डिग्री बोथ इन फिजिकल एंड ऑनलाइन मोड। अप्रैल 2022 में यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भौतिक और ऑनलाइन दोनों माध्यम में एक साथ दोहरी डिग्री प्रदान की। अब यहाँ समझिए, भौतिक में यानी कि एक डिग्री आपकी चलेगी और एक डिग्री आप ऑनलाइन में, दो डिग्री आप भौतिक में नहीं ले, मतलब भौतिक फिजिक्स नहीं, मतलब कि फिजिकल रूप से जो हम क्लास जाके, जैसे आप स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या हम लोगों ने बीएड करा है, हम लोग जाते हैं स्कूल, तो वैसे आप अगर जा रहे हो तो आप एक बीएड की डिग्री फिजिकल वे में वहां जाके ले सकते हो और दूसरी आप ऑनलाइन में कोई और डिग्री साथ साथ ले सकते हो और दोनों एप्लीकेबल होगी। पहले क्या था कि एक टाइम पे एक ही डिग्री मान्य होती थी, फिर उस टाइम के पीरियड के बाद दूसरी डिग्री का सर्टिफिकेट मान्य होता था। इन अक्टूबर 2022 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर 3 to 8 years चिल्ड्रेन नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लाइन ऑफ एनईपी 2022। अक्टूबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने 3 से 8 साल के बच्चों के लिए नई पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनईपी 2020 के अनुरूप राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी किया है। जो पहला करिकुलम था उसको चेंज किया जाएगा और धीरे धीरे हर स्टेट में ये लागू कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा लागू करने में टाइम लगेगा तो इसलिए सारे स्टेट धीरे धीरे करेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो एनईपी पे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी एनईपी 2020 पे ये बताएं, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। और ये मतलब पूरे एनईपी का है, कुछ थोड़ा बहुत छूटा होगा लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं तो उनको आप एक बार रिवाइज एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करें। ठीक है, पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और केवीएस के लिए डटे रहिए।